Hello everyone, I am Dr. Sumit Gupta, consultant dermatologist at CK Birla Hospital, Punjabi Bagh. तो हेयर और नेल्स की डिजीजेस का भी ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ही करते हैं. इसी बात को आगे रखते हुए आज हम कुछ कॉमन नेल डिजीजेस की बात करेंगे. तीसरी एक बहुत कॉमन नेल कंडीशन जो हम देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉनिक पैरोनाइकिया. ये अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा वॉशिंग या जिनके हाथ डिटर्जेंट या ऐसे कॉस्टिक केमिकल्स से रूबरू बार बार होते हैं, सर्फेक्टेंट से रूबरू बार बार होते हैं, झाग लादर ऐसी चीज़ों से, उन लोगों को ये ज़्यादा होती है. जैसे कि हाउसवाइफ्स या जो पेशे से वॉशिंग में इन्वॉल्व हैं या कुक्स इन्वॉल्व हैं जो बार बार हाथों को गीला करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये वाला जो स्किन है ये हाथों में ज़्यादा होता है, हाथों के नाखून में. ये वाला जो स्किन है जिसको हम प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है. उसमें स्वेलिंग आने का कारण यह है कि ये नाखून और ये जो स्किन है ये अटैच्ड होती है बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यूटिकल. क्यूटिकल एक छोटा सा स्किन का अटैचमेंट है जो नाखून और इसको जोड़ के रखता है. और जो इसके अंदर का रास्ता है, जो यहाँ के अंदर का रास्ता है, जो एक पॉकेट है, उसको बंद करके रखता है. अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग मैनिक्योर में क्यूटिकल्स को रिमूव कर देते हैं, या फिर नेल ग्रूमिंग के एस्पेक्ट से क्यूटिकल्स को रिमूव कर देते हैं, या फिर जो लोग बार बार हाथ धोते हैं, डिटर्जेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या उनको अंडरलाइन कोई स्किन कंडीशन है, उनका क्यूटिकल अपने आप ही रिमूव हो जाता है. उससे क्या होता है कि नाखून और ये स्किन के बीच में जो एक स्पेस है वो खुल जाती है और वो एक ब्लाइंड पॉकेट की तरह है. उसमें कोई भी सब्सटेंस जाएगा, जैसे कि आप हाथ धो रहे हैं तो उसमें साबुन जाएगा, डिटर्जेंट जाएगा, या फिर आप वेजिटेबल चॉप्स कर रहे हैं, कुछ लेमन जूस, अनियन जूस, कुछ भी जाएगा जो कि चीज़ें आपके स्किन को इरिटेट कर सकती हैं, वो उसमें जाके फंस जाएगा. अब नॉर्मली ये चीज़ें अगर स्किन पे लगती हैं तो हम उसको वॉश कर सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, बट वो एक ब्लाइंड पॉकेट है जहाँ पे इनका स्किन से जो कॉन्टैक्ट है वो लंबे समय तक रहता है. लंबे समय तक इनका कॉन्टैक्ट रहने की वजह से यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है. इसको क्रॉनिक पैरोनाइकिया बोलते हैं. क्रॉनिक पैरोनाइकिया बहुत पेनफुल हो सकता है, उसमें भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होके पस पड़ सकती है बार बार. तो इन चीज़ों का जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन हो सकता है. इसका प्राइमरीली सोल्यूशन ये है कि जो हमारे हैबिट्स हैं उनको सुधारा जाए, यहाँ क्यूटिकल्स को रिमूव नहीं किया जाए. क्यूटिकल्स ज़रूरी चीज़ें हैं और उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए. हाथों को बार बार मॉइस्चराइज किया जाए. अगर आपका वॉशिंग का या ऐसी चीज़ों का ज़्यादा काम है तो आप ग्लव्स पहन के करें. ग्लव्स जो है नाइट्राइल या सिलिकॉन मटेरियल के होने चाहिए, या फिर अंदर से कॉटन लाइन भी हो सकते हैं, और उसमें पानी ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें. और अगर आपको ये क्रॉनिक समस्या है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, वो ज़रूर आपको कुछ लगाने के लिए या फिर ज़रूरी है तो कुछ खाने के लिए आपको ट्रीटमेंट बताएंगे. अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना भी ज़रूरी है. अगर ये क्रॉनिक रूप से रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, तो इवन जो क्योंकि नाखून की जड़ इस पॉकेट के अंदर होती है तो नाखून की ग्रोथ भी इफेक्ट होने लग जाती है. नाखून अजीब तरीके से ग्रो करने लग जाता है, बहुत नेल डिस्ट्रोफी हो जाती है वहाँ पे, और बहुत नाजुक नाखून आने लग जाता है. तो ये सब दिक्कतें जो हैं ये कॉमनली सॉल्व हो सकती हैं. हम बहुत कॉमनली इनको ओपीडीज़ में देखते हैं. अब ज़रूर अगर आपको ये ऐसी कोई समस्या है या नाखून की कोई और समस्या है तो अपने निकटतम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें. अगर आप अपने स्किन, नेल्स या हेयर की कोई समस्या लेकर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे 11 AM to 1 PM उपलब्ध रहता हूँ. थैंक यू.